एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रेट के बारे में, जो शेयर है 322 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका 100% एनालिसिस इस स्टॉक को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है, हर 100% बाइंग रिकमेंडेशन आया हुआ है करंट मार्केट प्राइस में। परफॉर्मेंस देखा जाए तो लो है, क्योंकि आपका सर्वाइव किया है और रियल स्टेट के ऊपर बिजनेस है। वैल्यूएशन हाई है, उस हिसाब से ग्रोथ देखा जाए तो लैगिंग हो रहा है, मतलब लैगिंग मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा लो है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है और रेड फ्लैग नहीं है। जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि एनालिसिस 100% बाइंग रिकमेंडेशन दिया है स्टॉक के बारे में। पीबी देख सकते हो 1.24 का है, जो बहुत अच्छा माना जाता है सेक्टर पी के कंपेयर में। सेक्टर पीबी है 2.2, तो पीबी रेशियो भी आपका सेक्टर पीबी से बहुत कम है, तो अंडर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है आपको। 1000 करोड़ में आपका प्रॉफिट होता है। देख 2022 में देखो अच्छा खासा प्रॉफिट जंप हुआ है, 2021 के कंपेयर में करोगे तो 0.889 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो अभी न्यूज़ निकल के आया है, 1 वीक पहले ही एम्बेसी रेट्स कमिट्स ओवर 300 करोड़ टुवर्ड्स ग्रीन इनिशिएटिव्स। तो ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर फिर से 300 करोड़ का प्रोजेक्ट आपका लॉन्च होने वाला है। एम्बेसी रेट्स कमीशंस द फर्स्ट फेज ऑफ 20 मेगावाट सोलर रूफ प्रोजेक्ट एम टू जनरेट 30 मिलियन यूनिट्स ऑफ सोलर पावर। तो ये आपका इतने बड़े पैराना में सोलर प्लांट के ऊपर कामकाज करने वाला ये स्टॉक, ऐसे स्टॉक के ऊपर आपका नज़र होना चाहिए दोस्तों। अभी चलते हैं इसका, ये तो आपका न्यूज़ था जो 1 वीक पहले निकल के आया कि 300 करोड़ का प्रोजेक्ट ये कंपनी आपका इन्वेस्ट करने वाला है। मिड रेंज परफॉर्मर है और 405 का अपसाइड पोटेंशियल टारगेट है एवरेज। तो 405 का लेवल तो बहुत जल्दी आपको आ जाए, और ये आपको मिल रहा है कितना अंडर वैल्यू में, 26 फरवरी को इसने 52 वीक लो लगाया। तो आपको लो प्राइस में ही मिल रहा है स्टॉक, और अभी जस्ट आप मूव शुरू किया है, तो यहाँ से बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 14 के 14 स्ट्रॉन्ग बाई और बाई सिग्नल जनरेट किया है। तो देख सकते हो कि कितना डिमांडिंग स्टॉक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक का देख सकते हो टेक्निकल लेवल देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक का आपका RSI और MFI क्या है। RSI देख सकते हो 71.8 हो गया, मतलब ओवरबॉट जोन में गया है। तो MFI अभी भी 46.9 है, तो यहाँ से भी एक शानदार तेज़ी देखने को मिलेगा। अभी चलते हैं कि स्टॉक कैसे इनकम करता है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, बहुत लोगों को ये स्टॉक के नाम पता ही नहीं होगा। ये ऑपरेट इन्वेस्टमेंट करता है और रेंट बेसिस इनकम जनरेट करता है, और रियल स्टेट इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करके भी पैसा कमाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, एशिया का लार्जेस्ट ऑफिशियल रेट है एरिया के हिसाब से। 90% कैश फ्लो बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर का फाइनेंस भी किया जाता है, ऑपरेट्स और ओन भी किया जाता है रियल एस्टेट के ऊपर। 30,574 करोड़ का मिड कैप स्टॉक है, अच्छा खासा आपका हाई एंड लो है, जो 407 का निकल के आ रहा है 52 वीक हाई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देख सकते हो 4.5 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 3.32 का है। फेस वैल्यू 300 का हुआ है। और चार्ट में देखा जाए तो अभी जस्ट आपका नीचे रिट्रेस करके जस्ट ब्रेकआउट दिया है, तो 340 का टारगेट बहुत इजीली आपको नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकता है, और 405 रुपये का टारगेट आपको मई लास्ट तक देखने को मिल सकता है। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे करता है 258%, जो बहुत ज़्यादा माना जाता है। और सेल्स ग्रोथ देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में अच्छा खासा हुआ है सेप्टेम्बर क्वार्टर के हिसाब, और हर क्वार्टर में आपका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, तो इसको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट किया है, अदर इनकम भी 15 करोड़ बढ़ा है पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। इंटरेस्ट देखो कम पे किया है 1 करोड़, इसलिए आपका नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। EPS 1.36 से 1.72% है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक अभी जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है उसके हिसाब से बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। बोरोइंग्स है आपका 1000 करोड़ बढ़ा है, और लियाबिलिटीज़ भी आपको उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़ा है। कैश फ्लो बिजनेस सेगमेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि
नंबर ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न में उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से रहना चाहिए था। तो ये एक स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है। और बाकी आपका देखा जाए तो यहाँ ओवरव्यू में जाके आप देख सकते हो कि क्या है एक्चुअल में कंपनी का। जैसे कि देख सकते हो कि 5 एक मंथ में 5.8% आपका जनरेट कर दिया है। बाकी म्यूचुअल फंड पब्लिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोमोटर और आदर्श के पास है। तो इस स्टॉक में आपका FII डिक्रीज किया, म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है 7% से 7.13% तो लास्ट क्वार्टर में। और ब्लॉक डील में परचेसिंग चल रहा है अभी। तो ऐसे स्टॉक में आपका नज़र होना चाहिए जो डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और टारगेट देखो बड़ा बड़ा आ रहा है, 425 का, 386 का, 86% और 69% लोग अभी बाइंग रिकमेंडेशन दे रहा है। तो मेरा भी बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा, 405 का टारगेट आपको